इनको अपने दोस्तों के लिए समय ही समय है, बीबी के लिए समय नहीं है, बच्चे के लिए समय नहीं है। मैं भी आपको दिखाऊंगी, देखिए हमने अपने पति देव के लिए मंगवाया हुआ है। तो क्रियांश चला गया नीचे, तो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। पति देव देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:15 और इस समय जो है चल रहे हैं नीचे। मम्मी जो है कुछ बेहतरीन बना रही है, तो क्या बना रही है वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें खाने में। यहाँ पर जो है मम्मी आज बनाने वाली है जी बड़ी। जी हाँ, बेसन का जो है बड़ी बन रहा है, और उसके अलावा जो है कढ़ी भी बनेगा। दही है ही घर से आया हुआ, तो कढ़ी बड़ी बन जाएगा। वर्तमान में बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे ससुराल से दही आया है, उसी को हम यूज कर लेंगे। अच्छा है, तो वो सब कुछ यूज हो जाएगा, लगता है बन जाएगा ना। सब खा लेंगे। तुम लोग 10:30-11 के बीच में खाता है ना, खाना रेडी। ठीक है, और अब हम जाते हैं। आज हमको 4 घंटा तक का कुछ क्लास है, तो 4 घंटा का अपना क्लास करके फिर ही उसके बाद कुछ करेंगे। और सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगा। ठीक है, आपको तो चलना है वहाँ पर जहाँ घूमने। ईद का छुट्टी है, लेकिन हमको क्लास है आज एक ना, इसीलिए। तो एक दिन जो है माँ कह रही है कहाँ दादी जाएंगे। सिसवा जाएंगे उस रास्ते में जो जो भगवान का दरबार है। दुर्गा स्थान है ही, महादेव स्थान है ही, प्रहलाद खम है ही, तो बहुत ही अच्छा अच्छा दर्शनीय स्थान सब है वहाँ पर। वहाँ आज भी देते जाएंगे, सिसवा जाएंगे। सिसवा में सबसे भेंट मुलाकात करके फिर रात्रि विश्राम अपने घर में। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो छुट्टी है उस दिन हम लोग इधर चलेंगे, देखेंगे जो भी नजदीक में होगा, जो नजदीक में होगा, ताकि शाम को जहाँ से वापस हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करा है टीएनसी, कटोरी मिल गया तुमको। बस अब सबको फेंकना, तुमको मालूम नहीं था इसलिए अब मैं इन सबको इधर कर रहा हूँ। जिया सारा कटोरी फेंक रहा है, और भी फेंका था एक दो, देख लेना कहीं पे। राजा बेटा, कौन बेटा है मेरा बता दो सबको। ये बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लीजिए। जो यहाँ का लाइटर लेके चला गया था, लाइटर लेके चला गया था, जो मिलता है वही। देखिए हमको मार रहा है, देख रहे हैं ना, आपका पोता बहुत मारता है हमको। मां कहाँ जा रही हो? ये देखिए ना, पूरा खींच के चला गया, उनके पीटता क्या है। बाबा को ढूंढ, बाबा नहीं, सब पर है, सब से ऊपर, बाबा ऊपर। सुन लिए ना बाबा, बाबा चलो भैया बाबा पास चलो। One hour later, जो नहा के आ गया, आंख में सबको दिखा दो, मैं नहा के आ गया। ये बुग्गा बुग्गा एक बार भी नहीं, इसको ना बस इग्नोर कर दिया आता है एकदम आराम से, अभी से इग्नोर करता है। क्या बहुत बदमाश हो गया है। A few moments later, यहाँ पे मेरा खाना लग चुका है, क्रियांश सो गया, खाने में है करी, और करी के साथ साथ उसका पकौड़ी भी है, चावल और अचार। करी मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ। अब मैं ये नहीं सोचती हूँ मुझे ये पसंद नहीं है, हाँ है, अब बस जो मिलता है मैं खा लेती हूँ। बाकी क्रियांश जो सो गया है ना, इतनी शांति लग रही है घर में, तो जो भी छोटा बड़ा काम है कर लेती हूँ खाना खाने के बाद। तो हमारा खाना पीना हो गया और पतिदेव जा रहे हैं पूर्णिया। बिल्कुल, ये पूर्णिया जा रहे हैं, सारे दोस्त सब हैं, और आज सभी दोस्त लोग हम लोग इकट्ठा होंगे, और मूवी भी एक लगी हुई है मैदान अजय देवगन का। अच्छा। तो वो देखने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा बिल्कुल, मेरे लिए इनको बिल्कुल भी समय नहीं रहता, लेकिन अगर किसी दोस्त का कॉल आ जाए ना, किसी दोस्त का, तो इनको ना कोई काम नहीं रहता। जब भी किसी दोस्त के साथ बाहर जाते हैं, जब भी किसी दोस्त के साथ बाहर जाते हैं, बड़ी चीर मस्ती है पत्नी महारानी को। चीर नहीं मस्ती है, बहुत ज्यादा। अगर आप अपना काम फिनिश करके जाइए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे सारा काम फिनिश हो गया, जो भी थोड़ा कॉल आता है सारा फिनिश हो जाता है। हफ्ते में एक दिन दो दिन जाते हैं। कब आ रहे आप? हम आ जाएंगे रात के 7-8 बजे करीब आ जाएंगे। उस टाइम कौन सा काम? 3-4 घंटा का तो, 3 घंटा का तो मूवी होगा ही कम से कम। तो इनको ना जैसे इनके दोस्त का कॉल आता है सारा काम खत्म हो जाता है। हाँ हाँ आ रहे हैं, कब आना है। और जैसे ही दोस्त का कॉल आता है, पति महारानी का बीपी थोड़ा बढ़ जाता है। बीपी नहीं बढ़ जाता, ये बड़े से छुप के बात करेंगे, ताकि इसको पूरा मतलब पता नहीं चल जाए, एकदम लास्ट मोमेंट में बताएंगे। पर मालूम है कि तनाव ही होगा, उससे अच्छा है कि दूर हटकर ही बात करें। तनाव से नहीं, आप जाइए सारा काम खत्म कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, यही
अभी सुबह हम बोले कि हम प्लान ऐसे थोड़े बनता है कि काम अभी बीच में है और अचानक से प्लान बन गया, ऐसे नहीं होता है। सही प्लान होता अचानक है। से बन जाता है। इनको अपने दोस्तों के लिए समय ही समय है, बीबी के लिए समय नहीं है, बच्चे के लिए समय नहीं है, फैमिली के लिए समय नहीं है। हमेशा क्या हम कहते हैं, अपना सारा काम खत्म कर लीजिए, दोस्तों के साथ जाना एक दिन हफ्ते में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि दोस्तों के साथ जाए फिर बाहर का खाना खाए। और हमको क्या बोल रहे थे कल ही, आज ही माँ को बोल रहे थे कि पता है अब ना हम बाहर का खाना खाएंगे, सिर्फ संडे को खाएंगे। आज संडे तो नहीं, आप में से तो हम नहीं खाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना आज संडे थोड़ी की कुछ खा लेंगे। अच्छा अच्छा, सारा ईमेल आता है जो भी अगर आज खा भी लिया तो संडे को नहीं खाएंगे। अच्छा, अगर पैसे कटेंगे तो ईमेल तो आएंगे ही मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये मेरे से झूठ ही नहीं बोल पा रहे। इसके अकाउंट से जो है ईमेल आईडी को जो है हम हटाने वाले हैं, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन का ईमेल इसको आ जाता है। हाँ, कहाँ कहाँ क्या क्या करता है। आज मुझे उल्लू बना रहे थे ये कि मतलब ये ऐसा नहीं है पढ़ाई के लिए कोई कोर्स लिए थे, ये हमको कह रहे हैं कि जी आज पता है तुमको लाइव क्लास है मेरा 4 घंटा। हम कल ही देख लिए थे, ईमेल आया था कि ये कोर्स लिए है। हम समझ रहे थे कल मुझे ये कहेंगे जी यार मेरा 4 घंटे का लाइव क्लास है, वो 4 घंटे का सेशन था इनका पढ़ाई का, तो हम सोचे थे उसी टाइम बोलेंगे। और बोले कि आपने कोर्स लिया है एक नया, तो कह रहे हैं कि हाँ। हम बोले फिर क्यों बोल रहे लाइव क्लास है एक्स्ट्रा। तो ये ऐसे ही चोरी पकड़े जाते हैं, इनको ही पता नहीं, इनको लगता है कि जिया देखती ही नहीं होगी, सब देखती हूँ बट मैं बोलती नहीं हूँ, चलो कोई ना। लेकिन ये जब झूठ बोलते हैं तो मुझे बुरा लगता बिल्कुल। पत्नी महारानी हमारी सीएडी है, तुमको सीबीआई में रहना चाहिए, तो पत्नी क्यों है बताओ। अच्छा अच्छा, तुम्हारा टैलेंट। और आपको आपको झूठे वाले जो झूठ मतलब कहा जाता है ना, 100 झूठ मरते तो 1 झूठ जिंदा होता, वही है ये, खाली झूठ बोलते हैं। अब पकड़े जाएंगे तो फिर ऐसे मुंह बना के चल जाएंगे। चलो बाकी आप जाइए, क्या कहते हैं, सनस्क्रीन लगा लीजिए, बहुत धूप है बाहर। ठीक है, बुआ का बॉल लेके जाना है क्या? बस उसे रखे हाथ में। तो ठीक है जी, चलिए। वैसे ये सब चीजें होती रहती है लाइफ में थोड़ा बहुत। आपको हमारा मिनी ब्लॉग कैसा लगता है? अगर आप हमारा मिनी ब्लॉग नहीं देखते हैं तो आप, एक न्यू चैनल हमने अपना मिनी ब्लॉग का बनाया है, उसमें आपको हमारे जैसे पहले वीडियो आते थे ना एकदम डेली लाइफ की, लाइफ स्टाइल की, तो वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो फटाफट से जाकर के आप उस चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिया शाश्वत रॉय शॉर्ट्स, यहाँ पे मैं डाल दूंगी। वहाँ पे हमारा मिनी ब्लॉग आता है, डेली लाइफ 1-2 मिनट का डेली लाइफ जो वीडियोज होते हैं वो सब भी आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज रहती है, और कॉमेडी वीडियोज जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं वो सब वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं सो गई थी, जैसे सो के उठी फोन ऑन किया हमने, क्योंकि मैं फोन ऑफ करके हमेशा सोती हूँ, इसलिए प्रयास उठ जाता है और उठ जाता है तो बहुत ज्यादा रोता है, तो मैं हमेशा फोन ऑफ करके सोती हूँ। और जैसे फोन ऑन किया, हमारे पार्सल वाले भैया का कॉल है, ये देखिए हमारा पार्सल है, देखते हैं इसमें क्या है, ओपन करती हूँ फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये रहा हमारा चाकू जिससे हर पार्सल की ओपनिंग होती है, उसको करते हैं ओपन। बेटा उठ गया, देखो जैसे उसको मैंने बताया था ना आपको आज ही, अगर मैं उठ के आ जाऊँ ना वो तुरंत उठ जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। अब आएगा उठ के खुल दूंगा, चिल्ला रहा है जिया जिया, आजकल मम्मा नहीं बोलते जिया। तो इसके अंदर है हमारे फेवरेट फेवरेट से परफ्यूम, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये हमने अपने पति देव के लिए मंगवाया हुआ है, कुछ अपने लिए मंगवाया हुआ है। अभी हम लोग जाने वाले एक फंक्शन में, तो उसमें ज़रूरत होता ना, और एक दो जो था वो पुराना हो चुका ही थी। एक ये वाला है फॉरएवर का, और फॉरएवर का ही ना 2-3 अलग अलग ये है, और दिखाऊं, और ये चिल्ला रहा है मम्मा, अब मम्मा कह रहा है आ जाइए लल्ला, आ जाइए यहाँ पे मम्मा, यहाँ पे आ जाइए। और ये देख सकते हैं इसके अंदर भी है कुछ, आ जाइए यहाँ पे मम्मा लल्ला। ये देखिए क्या मंगवाया आपके लिए मैंने, चाहिए ये वाला, चाहिए चाहिए ये नहीं हम चाहिए। पहले इसको मैं थोड़ी देर प्यार कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? चलो आ जा मम्मा पास, आ जा आ जा। गुस्सा हो गया मम्मा, क्यों उठ के आई, एक पूछी जा रहा था, पूछी जाता था, पूछी जा रहा, एक एक और दे दो मम्मा को, दे दो एक और पूछी जा, बाबा पास ले जाएगी मम्मा। एसी बंद किया था प्रियांश? अच्छा 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 अच्छा, मम्मा का हिंदी तो उखाड़ देता है ये क्रियांश। आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जिया दीदी आप बिंदी क्यों नहीं लगाते हो, हमारा बेटा जो है ना एक भी बिंदी नहीं रहने देता, जैसे मैं बिंदी लगाऊंगी बोलेगा हिंदी हिंदी और हटा देता है। हाँ, आपके भी बच्चे करते हैं ऐसा क्या? हमारे बच्चे तो बहुत शैतान है, बाल खुला नहीं रख सकती हूँ मैं, एक एक बाल नोच लेता है मेरा। ये एक्टिंग कर रहा है क्रियांश, आंख बंद करके ऐसे कोई खाता है
आपका पोता बहुत बड़ा एक्टिंग बाज है, कह दीजिएगा कि आंख बंद है तो और एक्टिंग करेगा। देखिए देखिए कैसे कर रहा है क्रियांश, क्रियांश कैसे कर रहा है देख लीजिए, फिर कर लिया ना बंद, दिखाने लगता है थोड़ा सा, करो तुम बदमाशी। तो क्रियांश चला गया अपने दादाजी के पास, चलते ऊपर में, क्रियांश जो है रूम में किसी भी बंद नहीं किया होगा, गेट खोल के चला आया होगा। तो क्रियांश चला गया नीचे, तो मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो क्रियांश जो ओपन करने से ज्यादा कोड ही देता है सारा पास, ये ना आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। वाह ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सा है, बहुत सारे मिल जाएंगे ना, 2, 4, 6, 8, 10, 11 है। वाह द मस्त, हम तो रख देंगे इसको लड्डू गोपाल के लिए फिर रोज रोज लगाएंगे लड्डू गोपाल को। एक है उनके पास जो ख़त्म होने वाला है, तो ये मैं सारा रख दूँगी उनके पास क्योंकि बहुत अच्छा है। और इसमें और दो हैं, वो दोनों तो पति देव के लिए मंगवाया था, ये मैंने अपने लिए मंगवाया हुआ है, ये देख सकते हैं बहुत सुंदर है, बहुत मस्त है। इस पर भी अभी सेल चल रही थी तो हमने सोचा मंगवा लेते हैं। और उनका जो परफ्यूम है ना वो बहुत लगाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों ने देख लिया हमारा पार्सल, तो मैं इन सब चीज़ों को जल्दी से बंद करके रख देती हूँ ना तो क्रियांश आएगा और सब तोड़ देगा। उसको एक उनका खोल के देखती हूँ कैसा है उनका, मेरा तो बहुत सुंदर है। 1149 इसमें दिख रहा है, 1149, बाकी मैंने बहुत डिस्काउंट में लिया था, 60% या 70% डिस्काउंट था, अभी पता नहीं मैं देखूँगी तो बताऊँगी आप लोगों को। तो मस्त है ना, बहुत अच्छा है, मतलब जेंट्स लोग का थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो हार्ड है बाकी अच्छा है, पति देव देखेंगे खुश हो जाएंगे।